हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम एजुकेशन सेंटर। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.4 का पार्ट टू। पार्ट वन हम करा चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, पार्ट वन में हमने क्वेश्चन नंबर वन, इसका यानी कि 3.4 का क्वेश्चन नंबर वन के फोर्थ पार्ट कराए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, तो देर न करते हुए चलते हैं बोर्ड पर। चलिए स्टूडेंट, देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि ये जितनी भी समस्याएं दी गई इन सभी का एक रैखिक समीकरण बनाना है और उनको हल करना है, यानी कि उनकी मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसका है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें और यह यदि हम हर में एक जोड़ दें तो यह एक बटे दो हो जाती है, वो है भिन्न क्या है, तो हमें भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो, भिन्न को करने से पहले, वैसे आप 10th के बच्चे हैं, आपको ये चीज़ पता होगी कि अंश और हर क्या होता है। फिर भी अगर आपको नहीं पता तो हम, मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि एक फ्रैक्शन है 5/7, तो ऊपर यानी कि इस ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं हम अंश, ठीक है, और इस संख्या को बोलते हैं हर। ये हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं न्यूमिनेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसी के साथ हम जो है आगे क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में हल इसका लिख लें यहाँ पर, माना भिन्न का अंश इक्वल कितना है x, और भिन्न का हर, यहाँ लिख देंगे हर बराबर है y। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन केस फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट कंडीशन इसकी क्या कह रहा है, यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। तो देखो, फ्रैक्शन क्या थी हमारी, x अपॉन y, तो यहाँ पर लिख लें भिन्न बराबर, यानी कि अंश x है हर y है, तो भिन्न कितनी हो जाएगी हमारी, x अपॉन y। ठीक है, तो x अपॉन y जो भिन्न है उसमें पहले कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दें, तो अंश में हमने एक जोड़ दिया, और ये कह रहा है हर में एक घटा दें, तो हमने हर में से एक घटा दिया, तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, एक में बदल जाती है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ 1/1 हो जाएगा, इसको 1 मान लेंगे, जब कोई संख्या नीचे कुछ नहीं होता हर में, तो इसको 1 मानते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखिए 1 का इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1 इक्वल, ये y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा y माइनस 1, y को उधर लेके आएंगे, 1 को उधर उधर भेज देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस y इक्वल माइनस 1, ये रहा 1 इधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा x माइनस y इक्वल माइनस 2, और इसे हम ले लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर केस सेकेंड हमारा क्या कहता है, केस सेकेंड में कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह एक बटे दो हो जाती है, तो हमें केवल हर में जोड़ना है। ठीक है ना, केवल हर में जोड़ना है, अंश की इसमें बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर फ्रैक्शन है x अपॉन y, हर क्या है y है, और y में एक जोड़ दें, अगर हम y में एक जोड़ दें तो यह एक बटे दो हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड करेंगे, जो है यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल y प्लस 1, इधर जाएगा तो y प्लस 1। ठीक है, यहाँ से देखेंगे y प्लस 1 को जब इधर लेके आएंगे, y को लेके आएंगे केवल, तो ये हो जाएगा 2x माइनस y इक्वल 1, इधर क्या रहेगा केवल 1, और ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे समीकरण एक ये है, समीकरण दो ये है, यहाँ y माइनस का है, यहाँ भी y माइनस का है, तो क्या करेंगे, y इक्वल है, इसके गुणांक जो है बराबर हैं, तो क्या करें समीकरण एक में समीकरण दो को घटाने पर, तो यहाँ लिख दो समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर। ठीक है, समीकरण एक में समीकरण दो को जब घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे समीकरण एक ये रहा हमारा x माइनस वाई इक्वल माइनस 2, और जो समीकरण दो हमारा ये है 2x माइनस वाई इक्वल 1। जब घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का, यहाँ से देखेंगे y से y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि y माइनस का हो गया, एक प्लस का हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ माइनस के 2x में से एक x चला जाएगा तो माइनस के बचेंगे x इक्वल, और ये हो जाएगा माइनस, दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल 3। ठीक है, x का मान समीकरण एक में रख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो x का मान जब समीकरण एक में रखेंगे, देखिए समीकरण एक हमारा क्या है, x माइनस वाई इक्वल में माइनस 2, तो समीकरण हम एक यहाँ रखेंगे x माइनस वाई इक्वल माइनस 2,
एक्स की वैल्यू क्या हमारे आई है, 3 आई, तो एक्स की वैल्यू को 3 को हम यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल माइनस 2, 3 उधर जाएंगे किसको जाएंगे माइनस के, तो माइनस वाई इक्वल माइनस 2 और माइनस 3, तो वाई इक्वल हो जाएगा, ये माइनस का वाई है और ये हो जाएंगे माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इक्वल आ जाएगा 5। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि देखिए एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू हमारे 5 आ गई, तब भिन्न यानी कि जो फ्रैक्शन होगी तब कितनी निकलेगी, यहाँ पर देखेंगे, तब भिन्न x अपॉन वाई इक्वल x की वैल्यू हो जाएगी 3 और y की वैल्यू 5। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन आपको अगर अच्छा लगा हो और अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, और हाँ अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर करें, और हाँ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बिना किसी रुकावट के प्राप्त होते रहें। चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि अभी से 5 वर्ष पूर्व, अब 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ठीक है, यानी कि वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए जब भी हमें आयु वाले क्वेश्चन दिए गए हों तो सबसे पहले उसमें हम वर्तमान आयु ही मानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर माना नूरी की वर्तमान आयु, माना नूरी की वर्तमान आयु इक्वल एक्स, सोनू की वर्तमान आयु देखेंगे हम, सोनू की वर्तमान आयु, तो सोनू की वर्तमान आयु कितनी है मान लेंगे हम, वाई। ठीक है, माना नूरी की वर्तमान आयु है एक्स और सोनू की वर्तमान आयु है वाई, तो यहां पे देखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन केस फर्स्ट, ठीक है, यानी कि केस फर्स्ट या हम जो कह सकते हैं प्रथम शर्तानुसार, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 5 वर्ष पूर्व अभी से यानी वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व, तो यहां लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व देखेंगे, 5 वर्ष पूर्व सोनू की जो नूरी की आयु है वो कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 5, मतलब 5 वर्ष पहले छोटी थी इक्वल, इसी तरह से जो सोनू की आयु थी वो 5 माइनस सॉरी वाई माइनस 5 थी, यानी कि सोनू भी जो है 5 वर्ष छोटा था, तब ये कह रहा है कि सोनू की 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि ये जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु से 3 गुनी थी, यानी कि ये कितनी गुनी थी, 3 गुनी, तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस 35 जा 15, 3y को उधर लेके आएंगे 5 को उधर पहुँचा देंगे, ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल माइनस 15 प्लस 5, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल माइनस 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब देखते हैं केस नंबर सेकेंड, तो केस सेकेंड में हमारा क्या कहता है, के सेकंड कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, तो यहाँ लिखते हैं 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, ठीक है, यानी कि 10 वर्ष के पश्चात यानी वर्तमान से 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष के बाद क्या होगा, दोनों की आयु में 10 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी, तो यहाँ देखेंगे सोनू की आयु नूरी की आयु कितनी है x, तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 10, ठीक है, इसी तरह से सोनू की आयु है y, 10 वर्ष कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष के बाद हो जाएगी y प्लस 10, और ये कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि ये कितनी हो जाएगी, 2 गुनी, नूरी जो है वो 2 गुनी हो जाएगी, इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, सोनू की आयु में 2 से गुणा करना होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, अब देखेंगे यहाँ पर एक्स प्लस वाई है, ये रहेगा हमारा एक्स प्लस 10 इक्वल 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2y प्लस 20, ठीक है, y को उधर ले जाएंगे 10 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2y इक्वल 20 माइनस 10, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल 10, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए यहाँ पर समीकरण एक ये है, समीकरण दो ये है, x यहाँ बराबर है, यहाँ भी सिंगल x, लेकिन दोनों प्लस के हैं, तो हमने बताया था जब चिन्ह समान हो तो समीकरण को क्या करते हैं, एक में से दो को घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर,
ठीक है, समीकरण एक में समीकरण दो को घटाने पर। तो यहाँ पर देखेंगे x माइनस थ्री वाई इक्वल माइनस टेन और x माइनस टू वाई इक्वल टेन। जब घटा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 3y में से 2y चले जाएंगे तो माइनस का y बचेगा और यहाँ पर हो जाएंगे माइनस के 20, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल आ जाएगा 20। ठीक है, अब y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो y का मान समीकरण एक में, हमने यहाँ समीकरण एक में रखा है, आप चाहें तो समीकरण दो में भी रख सकते हैं। ठीक है, आंसर वही आएगा, y का मान समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, समीकरण एक हमारा क्या है, x माइनस थ्री वाई इक्वल माइनस टेन, एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल माइनस टेन। ठीक है, तो x ये रहा माइनस थ्री और y की वैल्यू कितनी आई है 20, तो इंटू 20 इक्वल माइनस टेन कितना हो जाएगा 60, 60 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल माइनस टेन प्लस 60, तो x इक्वल हो जाएगा ये 50। ठीक है ना, ये x, अब हमने देखी यहाँ पर, तो नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की जो वर्तमान आयु है उसको हमने x माना था, तो यहाँ लिख देंगे हम नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 50 वर्ष। ठीक है, और सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु, तो सोनू की वर्तमान आयु को हमने y माना था, यानी कि y की वैल्यू कितनी आई हमारे 20, तो ये हो जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, तो स्टूडेंट ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और हाँ लाइक करने में कंजूसी ना करें, लाइक करते रहें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात करो। ठीक है, यानी कि हमें इसके इसमें दिया गया है कि संख्या के अंकों का योगफल 9 है और संख्या का 9 गुना अगर कर दें तो उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना होता है। ठीक है, तो देखिए उस क्वेश्चन को जो है, ये क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे अगर आप थोड़ा सा इसमें फोकस कर लें तो। ठीक है, पहले इसको समझते हैं, संख्या होती क्या है, संख्या के इसमें जो यहाँ पर इसको किस तरह से लिखेंगे। देखिए एक नॉर्मल संख्या लेते हैं, अगर हम ये ले लें कि 75 को हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए 70 को, यानी कि जो 70 है और प्लस 5 ये है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 × 10 + 5। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरह से हम देखेंगे ये जो है इकाई का अंक है, यानी कि इसमें ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, तो इकाई के अंक में तो सिंपल रहता है, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई होकर वो ये लिख देते हैं, और दहाई के अंक में क्या होता है, दहाई के अंक में 10 का गुणा करके आगे लिखा जाता है। ठीक है, इसी आधार पर, यानी कि इसी थ्योरी के आधार पर हम इस संख्या के अंकों को लिखेंगे। देखिए यहां लिखेंगे हल, इसका सॉल्यूशन माना, संख्या का इकाई अंक या इकाई का अंक लिख लेंगे, माना संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक हमने x मान लिया। ठीक है, संख्या का दहाई का अंक, दहाई का अंक बराबर हमने मान लिया है y। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे, तब देखो संख्या क्या होगी, तब संख्या क्या बनेगी, तो संख्या बनेगी, देखिए इकाई का अंक ये है तो x यहाँ आ जाएगा, प्लस y जो है दहाई का अंक है, तो ये इसमें टर्म्स जो है 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10y, तो 10y प्लस x, ये हमारी बन जाएगी हमारी संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, केस फर्स्ट यानी कि कंडीशन फर्स्ट या प्रथम शर्तानुसार, तो प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल, हमें क्या करना है, केवल अंकों का योगफल करना है, यानी कि अंक हमारे कौन कौन से हैं, एक्स और वाई हैं, तो यहाँ पर देखेंगे x प्लस वाई इक्वल कितना है ये 9, इसको इक्वेशन फर्स्ट हम लिखेंगे। ठीक है ना, अंक जो संख्या है, संख्या के अंकों का योगफल कितना है 9 है। अब आते हैं केस सेकंड, तो केस सेकंड में देखिए वो क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना, पहले तो संख्या हमारी ये है, देखिए यहाँ पर संख्या कितनी है 10y प्लस एक्स, संख्या का 9 गुना ये किसके बराबर है,
संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। पहले तो संख्या के अंकों को पलटेंगे, ठीक है। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या कौन सी हो जाएगी, देखिए x जो इकाई का अंक है वो पहुंच जाएगा दाई की जगह, और जो दाई का अंक है वो पहुंच जाएगा इकाई की जगह। तो ये संख्या बन जाएगी हमारी 10x प्लस वाई। संख्या के अंकों को पलट दिया तो ये संख्या बनेगी। अब ये कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दो गुना है, यानी कि ये जो संख्या बनी है, ध्यान रखना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो अब ये कितना है, 2 गुना है। तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। स्टूडेंट बहुत सिंपल है, बस एक बार फिर से देखिए, अब फिर से थोड़ा सा दोहरा दूं। देखिए इस संख्या का 9 गुना, संख्या ये है, संख्या का 9 गुना कर लिया हमने, संख्या का 9 गुना कर लिया। अब ये कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने से क्या संख्या बन रही है, ये जो दाई का अंक है वो इकाई का बन गया है, और इकाई का अंक जो था वो दाई के स्थान पर चला गया, तो संख्या को पलटने से ये वाली संख्या बनी है। तो ये कह रहा है कि बनी संख्या का 2 गुना है, यानी कि ये जो है वो 2 गुना है। तो 2 गुना जब ये है तो क्या कर देंगे सर, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये संख्या जो है हमारी बराबर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर 9 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90y प्लस 9x इक्वल 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20x प्लस 2y, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब यहाँ देखेंगे, देखिए x और x को एक जो है दोनों को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 90y प्लस 9x माइनस 20x और माइनस 2y इक्वल में 0, ठीक है स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर 90y, ठीक है, तो 90y में से आप पहले y को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा ये 88y, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे 20x है, ये 20x में से 9x चला जाएगा तो कितने बचेंगे, यहाँ माइनस के 11x, एक कॉल में क्या बचा है हमारा 0, ठीक है। अब देखिए दोनों में से हमें कॉमन क्या मिल जाएगा हमारा 11, ठीक है ना, तो 11 का पूरे में डिवाइड कर दो चाहो तो आप, या कॉमन ले लें 11, तो 11 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 8y माइनस एक्स इक्वल 0, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर 11 जो मल्टीप्लाई हमने जो कॉमन लिया है, जो ये मल्टीप्लाई का नंबर है, ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा 0 के, तो इसमें यानी डिवाइड में चला जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर हमारा 8y माइनस एक्स इक्वल 0, ये बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। समीकरण 1 और 2 हमें प्राप्त हो गए हैं। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, क्वेश्चन बिल्कुल पूरी तरह से हलवा हो गया है बस। अब यहाँ पे देखेंगे समीकरण यहाँ पे देखेंगे ये x प्लस का है, x माइनस का है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल 9 और दूसरा है एट वाई माइनस एक्स इक्वल 0, ठीक है। जब जोड़ रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे, जैसे हैं वही रहेंगे, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये वाई यानी 1y और 8y कितने हो जाएंगे 9y इक्वल, ये कितना है हमारा 9, ठीक है, 9 मल्टीप्लाई का नंबर है, कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो y इक्वल हो जाएगा 9/9, तो y इक्वल कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ये अब यहाँ से y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल 9 है, तो x प्लस वाई की जगह क्या रखेंगे 1 इक्वल 9, 1 उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल 9 माइनस 1 एक्स इक्वल 8, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर हमने इकाई का अंक क्या माना है x, यानी कि संख्या, हमें अगर संख्या ज्ञात करनी है तो संख्या देखेंगे, संख्या बराबर हमने क्या लिखी थी 10y प्लस x, तो यहाँ पर बस x और y के मान रखने हैं आपको, 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 1 प्लस x की जगह कितना है 8, ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएंगे 10 प्लस 8 इक्वल 18, तो 18 क्या है हमारी, ये संख्या निकल के आती है, ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा है आंसर। तो स्टूडेंट ये आपका सेकंड पार्ट यहाँ फिनिश होता है, और हाँ स्टूडेंट अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिना किसी रुकावट के प्राप्त उतरे। मिलते हैं अगले पार्ट में नए क्वेश्चन के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।